न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। एक महीने तक चलने वाले पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज चौथा रोजा है, जिसके चलते हरिद्वार उपनगरी भादराबाद की जुमा मस्जिद और आसपास देहात क्षेत्रों की मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। रमजान को लेकर मुस्लिम समाज में जहां एक और खुशी की लहर है, तो वहीं नमाज अदा करने वालों में नमाज को लेकर अकीद देखने को मिल रही है। सभी नमाज अदा करने के बाद देश में भाईचारा, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। नमाज के वक्त किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है और मैं आपकी मस्जिद में, जो बहादराबाद की जामा मस्जिद है, उसमें इमाम हूँ। यहाँ पर आज जुमे की नमाज हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शांतिपूर्वक सभी लोगों ने नमाज अदा की। और जुमा की नमाज से पहले एक बयान हुआ जो हर मस्जिद में होता है, उसमें तकरीर की गई और हमने जुमे की नमाज में लोगों को ये पैगाम दिया कि जो मुसलमान रोज़ा रखते हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत टकेरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान वैगनार कार से चार अभियुक्त महाराजपुर से नरवाल की ओर जा रहे थे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, जिस पर आरोपी ने तमंचे से पुलिस पल पर हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चंदन और प्रकाश गोली लगने से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी दो सत्येंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से देसी तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया है। देखिए, कल शाम रात के 9 बजे इंस्पेक्टर चकेरी और उनको टीम को सूचना थी कि क्रिमिनल का मूवमेंट हो रहा है, जिस मूवमेंट के आधार पर इनके द्वारा चेकिंग की जा रही है। उन्होंने मुझे भी बताया तो महाराजपुर, नरवल, बाकी जगह पे चेकिंग की गई थी। और चेकिंग के दौरान जब बदमाशों की, जो वैगनार गाड़ी से जा रहे थे, उनको जब इन्होंने इंटरसेप्ट किया तो बदमाशों ने फायरिंग करी और पुलिस पार्टी ने बचाव में और उनको पकड़ने के लिए फायरिंग की, जिसमें दो बदमाश को गोली लगी और उसमें एक अभियुक्त चंदन है और एक अभियुक्त प्रकाश है। हरदोई जिले में सीए और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ एसपी ने फ्लैग मार्च किया। एसपी केशव चंद गोस्वामी ने बताया कि शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए जाने के साथ आम जन को भयमुक्त वातावरण में चुनाव में मतदान के लिए विश्वास कायम करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। ये आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मुझे एक कंपनी बीएसएफ एरिया डोमिनेशन के लिए प्रदान की गई है, जिसके तहत आज शहर कोतवाली में एरिया डोमिनेशन के तहत लोगों में विश्वास जगाने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए, किसी प्रकार का भय ना हो किसी के दिमाग में कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहेगी, इसलिए यह भ्रमण कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। झांसी के लोकसभा क्षेत्र जालौन के गरौड़ विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सीसा में सड़क दुर्घटना में अंकित शिल्पकार सीसा का निधन हो जाने और पुंछ में राम मनोहर सिलियौट के निधन हो जाने पर आज उनके आवास पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की। वहीं बताया कि योगी सरकार की मंशा गरीबों को स्वरोजगार कृत करने की है। चमोली के देवाल बाजार में महिला समूह ने उत्पादित उत्पादों को बाजार देने के लिए ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानों की अध्यक्षता में अपनो बाजार का लगाया गया, जिसमें महिला समूह के कृषि क्षेत्रों में उत्पादित चीजों को बाजार देने की कोशिश की गई। अपनो बाजार कार्यक्रम में थराली से पूर्व विधायक मुनि देवी शाह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। देवाल विकासखंड के प्रमुख दर्शन दानू ने अपनो बाजार कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा है कि विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए महिला समूह के उत्पादन को बाजार देने के लिए अपनो बाजार लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन उस दिन शिवरात्रि पर्व होने के कारण इस पर्व को हमने 15 तारीख मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे गांव-गांव से बहनें यहां पर पहुंची हैं और पिछले कई सालों से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारा मूल मोटिव इस कार्यक्रम को करने का यही है कि हमारे गाँव में जो बहनें हैं, जो अपने प्रोग्राम को लेकर या अपनी जो संस्कृति है उसको बचाने को लेकर गाँव के स्तर पर काम करती हैं, उसको ब्लॉक स्तर और राज्य स्तर तक दिखाने का दायित्व भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का होता है। उत्तरकाशी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरने पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर से बस अड्डे तक विशाल जुलूस निकाला, साथ ही देश और प्रदेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है, साथ ही आचार संहिता के बाद इस आंदोलन को और भी उग्र बनाने का ऐलान किया है। बता दें कि महिलाएं पिछले महीने से कलेक्ट्रेट परिसर में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठी हैं। की मांग है, हमें 18,000 चाहिए, 600 रुपया प्रतिदिन की, 18,000 चाहिए हमें महीना के, और बिल
घर नहीं चलता है, हमें 18,000 चाहिए, तो हमें राज्य कर्मचारी घोषित करो। राज्य कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं जब तक, तब तक हमें 18,000 चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी का शोषण बहुत हो गया है। जब से ये सरकार आए हम बहुत परेशान है, हम अपना घर नहीं चला पा रहे, सब्जी महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, चावल महंगे हो गए। कालीगंडी कोफाली गोटर मार्ग पर एक मैक्स वाहन नलगांव से करीब 5 मीटर आगे तला गली के पास खड़ी चढ़ाई पर अंतित होकर नीचे गहरी खाई में गिर गया। दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में करीब 13 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटिल होने की सूचना मिली है। घटना की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है। वहीं आनंद फालन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी घोषित किए गए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली से उत्तराखंड हरिद्वार लौटने पर नारसन बॉर्डर से रोड के बहादुराबाद हरिद्वार डोईवाला तक जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं समेत त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में भारी संख्या में नारसन बॉर्डर पर इकट्ठा हुए और त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोकसभा चुनाव का पहला रोड शो निकाला गया। टिकट मिलने के बाद रावत की पहली एंट्री ने खूब दम दिखाया। शो में 100 से ज्यादा वाहनों की लंबी कतार और भारी जनसैलाब ने विरोधी खेमों में खलबली मचा दी। इस दौरान विधायक आदेश चौहान, विधायक प्रदीप बत्रा समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। मेरी जो भरोसा और जो अपेक्षा मुझसे की है, मैं उसको पूरा करूंगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज हरिद्वार जनपद की जनता ने, हरिद्वार लोकसभा की जनता ने जिस तरह से एक मुझे छोटे कार्यकर्ता को जिस उत्साह से अपने कंधों पर उठाया है, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके कंधों को और मजबूत करूंगा। देख रहा हूं कि बहुत खुशी का माहौल है, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। निश्चित रूप से हरिद्वार 5 लाख पार। कानपुर के फूलबाग में स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर सर्वधर्म समाज कल्याण सेवा समिति ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में समाज के सदस्यों ने समाज में सेवा और समाज कल्याण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि धनीराम पैंथर ने बताया कि हमने अब तक 15,000 से ज्यादा लावारिश शवों का उनके परिजनों की भांति अंतिम संस्कार कराया है। कार्यक्रम में मौजूदा पुलिस आयुक्त अखिल कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने धनीराम के काम की प्रशंसा की। जो लावारिश लाशों को कई सालों से एक सत्सम्मान दाह संस्कार कर रहा है, उनके द्वारा ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई थी, उसी में हम लोग सम्मिलित होने आए हैं। धनीराम पैंथर जी का जो निस्वार्थ काम है, ये हम सब लोग को प्रेरित करता है। खास करके एक लावारिश लाश के प्रति उनका यह जो समर्पण है वो देखने के काबिल है, और उसी सम्मान में हम भी आज सम्मिलित हुए हैं उनके कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित। उत्तरकाशी में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा कार्यालय का पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया, जिसको लेकर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन पूजा अर्चारण के साथ किया गया और संपन्न कराया। सुरेश चौहान गंगोत्री विधायक ने कहा है कि पूरा देश मोदी में हो चुका है। इस बार 400 पार का नारा देश की जनता के असीम लगातार, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं, उससे साफ होता नजर आ रहा है कि 400 से ज्यादा यहाँ पर सीटें भी भाजपा जीतेगी। देश में जो लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने से इलेक्शन मोड में है, और 10 तारीख से लेके जो उत्तराखंड के जो 70 विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा में चुनाव कार्यालय खोले जा रहे हैं। हमारे जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनके लिए, जैसे टिहरी की 14 लोकसभा सीटें हैं, तो टिहरी की जो लोकसभा है उसमें जो हर विधानसभा उसमें कार्यालय खुल गए हैं, और आज उत्तरकाशी की जो गंगोत्री विधानसभा है उसका चुनाव। गोरखपुर में चिलवा ताल क्षेत्र में राप्ती नदी में नहाने गए 3 दोस्तों की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिसमें उनके घर में मातम पसरा हुआ है। बता दें कि नदी में नहाने के दौरान संतुलन खोकर गहरे पानी में जाने से तीनों की मौत हुई है। तीनों शवों को गोताखोरों ने नदी से बाहर निकाला। मौके पर चिलवा ताल और गीड़ा पुलिस मौजूद रही। मृतक किशोरों की पहचान आर्यन, दिव्यांशु और शिवम के रूप में हुई है। ताल के अंतर्गत जो ये राप्ती नदी का ये पॉन्टून ब्रिज बना हुआ है, सूचना प्राप्त हुई है 3 किशोर थे जो डूब जाने से मृत्यु हो गई है। कल सूचना पर पुलिस पहुंची थी और अन्य क्षेत्रीय नागरिकों की मदद से, गोताखोर की मदद से उनकी तलाश की गई। तीनों की डेड बॉडीज मिल गई हैं और तीनों डेड बॉडीज के उनके परिजनों को सांत्वना देकर यहाँ से विदा किया गया है। अग्रिम विदा। हरदोई जिले में स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से पॉस्को और दुष्कर्म का आरोपी किशोर भाग निकला। बताया जा रहा है कि योगा करने के दौरान बाल अभिचारी फरार हो गया। जिम्मेदारों को इस बात की भनक तक नहीं लगी है। घटना का पता तब चला जब उससे मुलाकात करने के लिए उसके पिता और रिश्तेदार पहुंचे। जानकारी होते महकमे में हड़कंप मच गया। हरकत में आई पुलिस ने आरोपी किशोर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। कोतवाली शहर अंतर्गत राजकीय बाल संरक्षण गृह है, जहाँ पर एक बाल अपचारी जो कि लोनार थाने से वहाँ पे निरुद्ध था, वो वहाँ से भाग गया, जिसमें पुलिस द्वारा अथक प्रयास करके उसे पूरा गिरफ्तार करके
उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसमें लापरवाही पर इसमें थाना स्तर से विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी की जनता को तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम की सौगात देने के लिए दोनों संस्थानों का रांसी मैदान के समीप पहुंचकर शिलान्यास किया। बलूनी ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण करते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाने पर अनिल बलूनी कंडोलिया मंदिर पहुंचे और यहां जीत के लिए भगवान का आशीर्वाद भी लिया। अनिल बलूनी ने कहा कि तारामंडल का निर्माण पूरा होने पर छात्र और खगोल प्रेमी खगोल विज्ञान की जानकारी यहां आसानी से हासिल कर पाएंगे। माउंटेन म्यूजियम उत्तराखंड की संस्कृति से हर किसी को रूबरू करवाएगा। अनिल बलूनी ने कहा कि देश के प्रथम सीरियस स्वर्गीय विपिन रावत के नाम पर ही तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का नाम रखा जाएगा। बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का। भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित करने के साथ साथ पौड़ी को एक गढ़वाल का बेटा दिया है, जिन्होंने अभी आज अगर आप देखेंगे हमारे पीछे तारामंडल का व पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ पे उनको उद्घाटन भी हुआ है और उस उपलक्ष्य में हम लोगों को यहाँ पे एक बैठक भी थी और एक रैली भी थी जिसमें अनिल बलूनी जी द्वारा काफ़ी पौड़ी को कई सौगात दी गई है, उत्तराखंड को कई सौगात दी गई है। पिछले अपने 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए हमें, सबसे बड़ी बात उन्होंने हमारा जो लोकल जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कलेक्ट्रेट में बने अभिलेखागार में राजस्व अभिलेख पोर्टल प्रतापगढ़ का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सिर्फ जनपद प्रतापगढ़ में राजस्व अभिलेख पोर्टल www.pratapgarh.in की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। अभी किसी सदस्य में ये व्यवस्था लागू नहीं हुई है। जमीन से संबंधित अभिलेख जो काफी पुराने और जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उन रिकॉर्डों को ढूंढने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, समय भी ज्यादा लगता था। इन सबको देखते हुए राजस्व अभिलेख पोर्टल की शुरुआत जनपद में की गई है। आज इस चीज का उद्घाटन था कि जो हमारी रिकॉर्ड्स है, लैंड रिकॉर्ड्स है, जो बहुत पुरानी हो गई है और पत्रावलियाँ भी जिन सिन हो गई है, तो समस्या यह होती थी कि उसके या तो नकल जो है मिलने में परेशानी होती थी और काफ़ी भीड़ भी होती थी, तो आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ गतिरोध हुआ रहता था। तो इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने इसको प्लान किया कि कैसे सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसको ऑनलाइन कराए जा सके। तो इसको ऑनलाइन कराने के लिए हमने जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उसको हमने सभी को स्कैन करवाया। स्कैन करा कर इसको कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर, नया सॉफ्टवेयर बनवाया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।